नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 14 जनवरी से 20 जनवरी तक का वीकली करंट अफेयर, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण देने दिए जाने संबंधी विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यहाँ आंसर है गुजरात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद गुजरात द्वारा सबसे पहले इसे लागू की जाने की घोषणा की। मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में इस देश का नाम बदलकर क्या रखा गया? उत्तर मैसेडोनिया। मैसेडोनिया ने अपना देश का नाम बदलकर उत्तर मैसेडोनिया का राज रख लिया है। केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की है? कुंभ मेला मौसम, कुंभ मेला मौसम सेवा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीपी जोशी को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नाथद्वारा से विधायक डॉक्टर सी को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। GST कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक की छूट देने की घोषणा की गई? 1.5 करोड़। GST काउंसिल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि कंपोजिशन योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 से 1 करोड़ रुपये की यह सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी। निम्नलिखित से किसे नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानव समान छीन लिए हैं? जेम्स वाटसन। DNA संरचना की खोज में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए वैज्ञानिक जेम्स वाटसन ने दावा किया था कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, जिसके बाद उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानव समान छीन लिए हैं। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया? चाबी। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को चुनाव चिन्ह चाबी आवंटित किया गया। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया? सुत सेंग चांग ने ताइवान की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बालागीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? आंसर सी, उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालगीर का दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ तथा शिलान्यास किया। इन्हीं दौरान बालागीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया था तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजल्स के सत्ता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए? रोमा नामक फिल्म ने लॉस एंजल्स के सत्ता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। मुंबई के खार जिमखाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? 3 साल के लिए। महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर मुंबई के खार जिमखाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्य 3 साल के लिए निलंबित कर दिया। किस राज्य के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए?
तमिलनाडु।